इंडियन फूड 101 में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले की जिसका नाम है जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक और लहसुन की पेस्ट। मुझे ये समझ नहीं आता है कि लोग अदरक और लहसुन की पेस्ट बाजार से क्यों खरीदते हैं। पाउचेस में प्रेजर्वेटिव से भरी हुई अदरक और लहसुन की पेस्ट लोग क्यों खरीदते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है। तो एक काम करते हैं, आज आपकी जो लाइफ है इजी कर देते हैं, आप ये जिंजर गार्लिक पेस्ट घर पे बनाएं, 7-8 दिन के लिए अपने फ्रिज में रखें, इसको कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ हफ्ते में एक बार मेहनत करनी है, तो आप जो है बाहर वाली जिंजर गार्लिक पेस्ट खरीदना बंद कीजिए, क्योंकि मैं आपको इस इंडियन फूड 101 की रेसिपी में आज देने वाला हूँ एक सिंपल 7 से 8 दिन आपके फ्रिज में रहने वाली जिंजर गार्लिक पेस्ट की रेसिपी। चालू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि रेशियो, अगर आप गार्लिक लेंगे 100 ग्राम्स, अदरक यानी कि जिंजर होना चाहिए 50 ग्राम्स, तभी आपका जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट सक्सेसफुल होगा। वरना क्या होगा, अदरक की जो शार्पनेस है, स्पाइसीनेस है, दैट विल टेक ओवर दिस पेस्ट और आपकी डिश में सिर्फ जिंजर का ही स्वाद आएगा। इसलिए डू नॉट फॉरगेट दिस रेशियो। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जिंजर। जिंजर को थोड़ा सा रफली चॉप कर लेते हैं, चॉप भी नहीं, मतलब आप समझिए बस पिस जाए, परफेक्ट। और लहसुन तो ऑलरेडी छोटे क्लोव्स हैं, सो पहले अदरक डालते हैं। अभी बिना कुछ डाले हम अदरक को थोड़ा सा पीस लेते हैं, क्योंकि अदरक जो है उसमें रेशे होते हैं, सो उनको थोड़ा ब्रेक करने के लिए पहले सिर्फ अदरक को पीसेंगे। और बाहर बारिश बहुत तेज से हो रही है। अब अदरक जो है थोड़ी सी पिस चुकी है, इसलिए मैं लहसुन इसमें डाल देता हूं। इसमें मैं पानी नहीं डालूंगा, वो इसलिए क्योंकि हम इसमें डालेंगे तेल, और तेल मदद करेगा इसको पेस्ट बनाने में, और तेल क्या करेगा, प्रेजर्वेटिव वाला काम करेगा। तो तेल से जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट 7 से 10 दिन तक आपके फ्रिज में एकदम ठीक रहेगा। अगर ठंड का मौसम है तो 2 हफ्ते भी चल सकता है। तो इससे पहले थोड़ा सा चुटकी भर नमक, नमक भी प्रेजर्वेटिव है। 1/4 कप तेल या फिर 2 टेबलस्पून, 2 से 2.5 टेबलस्पून। अब इसको पीस लेते हैं और हमारी अदरक लहसुन पेस्ट एकदम तैयार हो जाएगी। थोड़ा पीसिए, थोड़ा चलाइए ताकि ये इवनली पिसे। मेरे ख्याल से अभी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट एकदम रेडी हो गई होगी। आहा, एकदम क्रीमी पेस्ट बना है। देखिए, ये है हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको आप एक ग्लास जार में बंद करके ढक्कन, थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल के छोड़ दीजिए और ये आपका 7 से 10 दिन चल जाएगा। तो मेरे पास एक ग्लास जार है जिंजर गार्लिक पेस्ट, जाएगी इस ग्लास जार में और इस पे हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे बस, और बंद करके हमारी जिंजर गार्लिक पेस्ट एकदम तैयार है। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको पसंद आई हो ये बेसिक सी जिंजर गार्लिक पेस्ट की रेसिपी। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। और अगर आपको इसी तरीके से बेसिक इंडियन खाना सीखना है तो इंडियन फूड 101 में आते रहे। बाय बाय।